अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? बिज़ी शेड्यूल के बाद आज आई हूँ, सोचा चले YT फैमिली भी तो है मेरी, उसके लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए। तो स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ, क्या तैयारी होती है मेरी। तो 6:45 हो चुके हैं और घर का मेरा काम हो चुका है, नाश्ता वगैरह हम कर चुके हैं और अभी अच्छा सा लिया हमने शॉवर, अच्छे से ड्रेसअप हुए और हम तैयारी करने लगे हैं। तैयारी प्राय नाम है, बस ये है कि अपना ख्याल रखना, अच्छा सा टचअप देना, खुद को फ्रेश फील करवाना, ताकि आप जब किसी के सामने जाते हैं तो उनको भी देखे आप अच्छे लगें और उनको भी अच्छा अच्छा फील हो। क्योंकि सामने आप जब चीज़ देखते हैं ना, आपके सामने जो भी चीज़ आती है, वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला हिसाब किताब होता है कुछ इस तरह से, तो आपका जो अपीयरेंस आपकी होती है ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए, मज़ेदार होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, ताकि सामने वाला भी देखे आपको फ्रेश फील करे। तो यहाँ पे जी हम लगा रहे हैं क्रीम, और क्रीम जो है वो मैं तिब्बत यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे लगता है कि हमारी कौमी क्रीम है, जैसे कौमी फूल, कौमी फल, कौमी ड्रेस, तो कौमी लैंग्वेज होती है ना, तो मुझे लगता है कि हमारी कौमी क्रीम है तिब्बत क्रीम, जो कि मुझे लगता है हर घर में मौजूद है। अच्छा, मैं कोई और क्रीम यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, तो मैं तिब्बत क्रीम ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे सूट नहीं करती है। तो लोशन जो है वो सर्दियाँ हों गर्मियाँ हों, 1 ड्रॉप लाजमी मैं अपनी तिब्बत क्रीम में ऐड करती हूँ। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत जो है ना वो नर्म भी रहती है, ड्राई नहीं होती। तो मैं ये दोनों जो तिब्बत क्रीम और लोशन है वो लाजमी मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे लाइनर यूज़ कर रही हूँ, फिल करूँगी पहले आईब्रो पेंसिल के साथ, और उसके बाद फिर मैं अपनी आँखों में लगाऊंगी लाइट ब्राउन कलर, लाइक मतलब जो हमारा वाटर एरिया होता है ना, वाटर लाइन होती है, वहाँ पे मैं लाइट ब्राउन या लाइट ऑरेंज कलर भी ऐड करती हूँ, मुझे खुद बहुत पसंद है इसलिए ऐड करती हूँ। तो तैयारी सिंपल सी होती है क्योंकि पूरा दिन हम अबाया में ही रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी अपनी जो ज़ात होती है ना, जो आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है, वो सबसे पहले होनी चाहिए। कोई देखे ना देखे, किसी के लिए आप तैयार हो ना हो, आपकी ज़ात सबसे पहले होती है। आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, आपको अपनी खुशी के लिए, आपको अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए अपने आप का जो है वो ख्याल रखना चाहिए, तैयार होना चाहिए। अच्छा, घर में कोई हो ना हो, इनफैक्ट मैं अकेली भी हूँ ना, तो मेरी दिन की जो शुरुआत होती थी या अभी भी वीकेंड पे जब होती है, तो मैं अपने रूम से बिल्कुल टिप टॉप होकर रूम से बाहर निकलती हूँ, तो उससे मेरा पूरा दिन जो है वो फिर जो, क्योंकि शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है। तो आपका साफ़ सुथरा रहने के साथ साथ आपका परफेक्ट रहना, तैयार रहना, आपका फ्रेश फील खुद को करवाना, आपको ही नहीं फ्रेश फील करवाता, आपका पूरा दिन भी खूबसूरत गुजरता है और आपके साथ जो लोग हैं उन्हें भी अच्छा लगता है। तो इसलिए अपने आप का ख्याल रखें, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं लगा रही हूँ मस्कारा। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, ये मैं नॉर्मल डेली रूटीन में भी यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, लाजमी करती हूँ। मेरे लिए तैयार होना जो है होने के लिए, मतलब किसी फंक्शन का होना ज़रूरी नहीं है, मुझे तैयार होने के लिए किसी शादी पे जाना ज़रूरी नहीं है, किसी घर जाना ज़रूरी है नहीं, किसी का आना भी ज़रूरी नहीं होता। मैं अपने लिए करती हूँ, सबसे पहले जो कुछ है वो मैं हूँ मेरी ज़ात। तो ख़ुद के लिए बने सवने ख्याल रखें अपना, और अपने पास आपके के जो मौजूद लोग हैं उनका भी ख्याल रखें, आपके प्यारे जिनसे आपको फ़र्क पड़ता है और जिनको आपसे फ़र्क पड़ता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी तैयारी में होती है, चाहे घर हो चाहे बाहर हो जहाँ भी हो, तो मैं परफ्यूम का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। मेरी मोस्ट फेवरेट परफ्यूम थी जो पहले मैंने यूज़ की है, अब ये मैं मियाँ जी की चोरी कर रही हूँ, और चोरी करने का अंजाम ये हुआ है कि वो इतनी ज़ोर से प्रेस होती है तो मुझसे प्रेस नहीं हो पा रही थी, बट फिर भी मैंने कर ली और चोरी चोरी मैंने लगा ली। अच्छा, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है, इतनी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। लाइनर जो मैंने यूज़ किए थे अपने लिप्स पे, मैं मोस्टली लाइनर्स को ब्लेंड करती हूँ, लिपस्टिक बहुत कम यूज़ करती हूँ, लाइनर्स को ब्लेंड करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि लॉन्ग लास्ट रहती हैं, तो ज़्यादा जल्दी वो ख़त्म नहीं होती हैं, फेड नहीं होता उसका जो पिगमेंटेशन होती है।
तो लास्ट में मैंने जी अपना एक अच्छा सा ब्रेसलेट पहना है और बाकी मेरी जो बाकी तैयारी है, खुसा पहनती हूँ, पम्प्स चलते हैं हमारे, हील वगैरह नहीं चलती क्योंकि हम ईजी रहते हैं अपने पम्प्स के साथ। और बस ये थी मेरी तैयारी। मियाँ जी को बोला लास्ट कुछ क्लिप लें और पंखे ने बड़ा तंग किया हुआ था कूलर ने, तो ये हो गई हमारी लास्ट तैयारी। और मैंने लास्ट में एक लिया क्लिक अपने मियाँ जी का भी, क्योंकि वो भी मुझे छोड़ने जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलें एक क्लिप तो आपका बनता है ना। और ये देखें, आहा, बस स्टाइल देखें, ये नखरा देखें, अपना नखरा चेक करें बस। तो यहाँ हो गई हमारी तैयारी, हमारे वो कहते हैं ना जान का मेला आ चुका, और अभी हम अबाया पहनेंगे और अपने स्कूल की तरफ चलेंगे और अपनी रूटीन जो हो जाएगी स्टार्ट। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दो उम्मीद। अल्लाह हाफिज़।